और मैं सुरवीरों कैसे हो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो कि था दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से, ये क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याओं में चार का अंतर हो, यानी कोई भी दो संख्याएं हैं उनमें चार का अंतर है, तो उनके और उनके वर्गों का योगफल 106 है। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही है, बस वहां पर योगफल था और यहां पर अंतर है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि माना पहली संख्या जो है वो एक्स है, माना संख्याएं एक्स, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, अंतर है तो उसी को हम एक्स प्लस फोर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर है। कोई दिक्कत है? जैसे दो संख्याओं का अंतर मान लो चार है, मान लेते हैं कि कोई संख्या मान लो पांच है या तीन है, कुछ भी, तो इनका अंतर जो है वो कितना है, चार है। तो यहां पे भाई अगर हमको निकालना हो x का मान निकालना हो तो हम x का, या हम छह कर लेते हैं, तो x का मान हमें निकालना हो तो हम चार इधर ले आएंगे, x उधर लेके चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, या x को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, चार प्लस एक्स। तो यही सेम चीज यहां पर है। तो यहां पर हमने क्या किया कि x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस फोर, यानी दूसरे तरफ हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही तो होगा, तो इसलिए हमने यहां पर क्या कर लिया, x प्लस फोर। बाकी पूरा स्टेप पहले वाले क्वेश्चन की तरह, अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप देख लीजिए। फिर यहां पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उनके वर्गों का योगफल 106 है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू 106, 106 है। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी फोर टू जा एट एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी चार चौक सोलह, फोर फोर जा सिक्सटीन यानी 106, एक्स स्क्वायर एड करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया एट एक्स प्लस सिक्सटीन, 106 को इधर ले आएंगे तो हमारा दो घात समीकरण बन गया बराबर जीरो के। इतना क्लियर हो गया होगा, अगर यहां से करें तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, यहां पर प्लस माइनस का सोल्यूशन माइनस होता है, बड़े का आगे माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, 106 में से 16 घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 10 में से 1 गया 9 बराबर, ये हो गया 90 बराबर 0। अब ये स्टेप देखते हैं, फिर से पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर सभी पद किसी एक संख्या से काट रहे हो तो काट लीजिए, ये सभी सम है तो दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो चौक आठ माइनस, ये हो गया 45 बराबर 0। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब 45 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको घटाने पर चार आए, 45 का ऐसा गुणनखंड जिसको घटाने पर चार आए, तो 45 का भाई ऐसा गुणनखंड करें तो 5 नवा 45, सही है ना, और 9 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 ब्रैकेट में एक्स माइनस 45 बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का एक्स से मल्टीप्लाई करो 9x प्लस माइनस का माइनस 5 का एक्स से मल्टीप्लाई 5x माइनस 45 बराबर 0। अब यहां x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 9, यहां माइनस 5 कॉमन लो तो हो गया x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 9 45 बराबर 0। अब x प्लस 9 कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 9 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x माइनस 5 बराबर 0। तो अब इन दोनों संख्याओं को देखते हैं क्या हो जाएगा कि x प्लस 9 बराबर 0 के करें तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 9 और ये हो जाए x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। हमें संख्या निकालनी है, संख्याएं धनात्मक ही होंगी तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो पहली संख्या तो हो गई x बराबर 5 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमने क्या मान रखा था, x प्लस 4, तो यानी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5 और 5 प्लस 4 9, अतः दो संख्याएं 5 और 9 हैं। अब यहां हम एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं, 5 और 9 क्या हमारा आंसर सही है। अब यहां अगर हम आंसर चेक करें तो दो संख्याओं का अंतर, तो 9 में से 5 गया 4 अंतर, पहला स्टेप तो सही है। उनके वर्गों का योग यानी 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 9 81 5 5 25, जोड़ के देखते हैं 5 6 8 2 106, यानी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको सारे वीडियोस आपको फिर से बताए जाएंगे, आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा,
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।